आज के इस वीडियो में हम एक सोल्डरिंग आयरन को रिपेयर करने वाले हैं। चलिए अपने टेबल पर सोल्डरिंग आयरन को रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड, हम अपने टेबल पर आ चुके हैं, चलिए अपने शोल्डर को ठीक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा शोल्डर। इस शोल्डर में लाइन आता है और गर्म नहीं होता है। चलिए इसको हम रिपेयर करके देखते हैं। पहले तो दोस्तों हम इसको खोल लेंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसे खोल लिए। चलिए अब यहाँ से भी खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम खोल के सब तार उर को हटा लिए हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें डायोड भी ठीक है, तब पर भी ये गर्म नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये जो आगे वाला होता है, पहले तो इसको आपको खोल लेना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, इसको हम खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम इसे खोल लिए हैं। बालू ख़त्म हो चुका है। चलिए इसमें हम बालू भर के चेक करते हैं गर्म हो रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, बालू ले लिए हैं। चलिए अब इसके अंदर हम शोल्डर के अंदर डालते हैं, तब चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से इसके अंदर भर देना है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमें सूखा बालू को भरना है। चलिए अब इसके ऊपर से हम इसको लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें इस प्रकार से इसके अंदर लगा देना है। देखिए फ्रेंड, हम इसके अंदर लगा दिए। चलिए अब इसको भी हम लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें इसको लगा लिए। चलिए अब इसको तार को हम लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इसको भी लगा लिए। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे शोल्डर में लाइन आ चुका है। चलिए देखते हैं थोड़ी देर तक गर्म होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, अभी से ही गर्म होने के लिए स्टार्ट हो गया। चलिए सोल्डिंग करके देखते हैं सोल्डिंग होता है या नहीं। इसको हम सोल्डिंग करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इस कमरे को पिघलाते हैं। देखिए फ्रेंड, कितना मस्त हमारा शोल्डर काम करने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब अगले वीडियो में।